इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत खास है। मध्य प्रदेश चुनाव के समय से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते जिस तरह से तल्ख नजर आ रहे थे, नजर इस पर भी थी कि जब ये नेता चुनाव के बाद साथ बैठेंगे तो क्या ये कटुता तब भी नजर आएगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कौन से दो सवाल किए हैं, कौन सी दो शर्तें रखी हैं और क्या देश को मिल पाएगा पहला दलित प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 2024 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य खो दिए हैं, लेकिन चुनाव के बाद से कांग्रेस और सभी विपक्षी दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। 19 दिसंबर को ही इंडिया अलायंस की प्रमुख मीटिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को 2024 चुनाव के लिए लक्ष्मण रेखा बताया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में पूछा कि क्या इस गठबंधन के इतर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, क्या वह बसपा को इस गठबंधन में लाना चाहती है। इससे पहले कि कांग्रेस इस पर अपना रुख स्पष्ट करती, उन्होंने यह भी पूछ लिया कि अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो वह साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के कांग्रेस नेतृत्व से पूछे गए इस सवाल में कटुता थी। कांग्रेस की ओर से बसपा को लेकर रुख साफ करते हुए यह जानकारी दी गई कि हमारा उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। इंडिया अलायंस यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय के साथ ही कई नेताओं के लगातार बसपा के संपर्क में होने को लेकर खफा चल रहे थे। अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि यूपी में गठबंधन का नेतृत्व तो सपा ही करेगी, इंडिया गठबंधन की स्टीयरिंग यूपी में सपा के हाथ में ही होगी और सीट शेयरिंग में भी हमारी ही चलेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस ने यह भी साफ कह दिया कि हम यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। कांग्रेस का ये स्टैंड एक तरह से अखिलेश की शर्तों पर मुहर है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चर्चा भी थी कि यूपी के कांग्रेस के नेता बसपा से गठबंधन के पक्ष में हैं। मगर ऐसी कौन सी बात थी जो अखिलेश यादव को कचोट रही थी? आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव को यह बात लगातार परेशान कर रही थी कि आखिर कांग्रेस सपा के साथ इंडिया गठबंधन में रहते हुए दो नाव की सवारी क्यों करना चाहती है, वह भी तब जब मायावती लगातार कांग्रेस पार्टी और गठबंधन से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाकर चल रही हैं। फिलहाल सपा का तल्ख रुख देखकर कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को और नाराज नहीं करने में ही अपनी बेहतरी समझी और साफ कर दिया कि उसका मायावती की पार्टी से गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के नेतृत्व में ही यूपी के रण में उतरेगी। इस गठबंधन का परिणाम क्या होगा, ये तो 2024 के चुनावों में ही साफ होगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन के लोकसभा 2024 चुनावों में मुख्य चेहरे को लेकर चर्चाओं के बीच एक दलित चेहरे का समर्थन 12 दलों के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन के संयोजक और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित 28 में से 12 दलों ने समर्थन करते हुए कहा कि इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी इससे खुल जाएगा। हालांकि इस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ है और खड़गे का कहना है कि पहले चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सभी दल मिलकर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।